जय हिंद। समझते हैं हम लोग समतापी और विषमतापी जीवों के बारे में अंतर। तो सबसे पहला जो होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड मतलब है गर्म खून वाले जीव, तो इन्हें उष्ण यानी गर्म रक्तीय जीव कहिए। हालांकि हिंदी में इसको बायोलॉजिकल टर्म होता है समतापीय जीव। अब ये समतापीय जीव या उष्णतापीय जीव क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, यानी जीव। हम लोग भी तो एनिमल ही हैं बायोलॉजी के हिसाब से। देखिए, वैसे जीव को समतापीय कहते हैं, नाम से समझिए। सम मतलब बराबर, तापी मतलब तापमान। जिसके शरीर का तापमान हमेशा एक रहे उसे क्या कहते हैं? समतापीय। एक बात बताइए, 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 98 डिग्री फॉरेनहाइट में ले लीजिए, 98.6, 98 मानिए उसको। तो देखिए, तो हम सेल्सियस में हम लोग लेके चलते हैं। ठंडी के दिन में हमारा नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री, गर्मी के दिन में भी 37 डिग्री, यानी साल के 365 दिन अगर आपको बुखार नहीं है तो आपके शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा। अतः ऐसे जीव जिनका तापमान बाहर के वातावरण के हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है उसे क्या कहते हैं? समतापी। अब आप ऐसे समझिए ना, ठंड के दिन में आज कपड़ा खोल दीजिएगा, नहाइएगा भी ना ठंड के दिन में, तो भी मुंह में आला डाल के, आला से नहीं, मुंह वो थर्मामीटर डाल के आप चेक कीजिएगा ना, आपका टेम्परेचर 37 ही बताएगा, भले आपका त्वचा पर बाहर ठंडा लगे। और अगर अंदर अंदर ठंडा पहुँच गया ना तो मर जाएंगे आप। तो ऐसे जीव जिनका टेम्परेचर, जिनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर समतापी यानी बराबर हो, उन्हें समतापीय कहते हैं। ऐसे जीव का टेम्परेचर हमेशा, उनका खून गर्म रहता है क्योंकि हमेशा एक फिक्स टेम्परेचर पर रहता है 37 डिग्री पे, इसलिए उन्हें वार्म ब्लडेड गर्म खून उष्ण रक्तीय जीव के नाम से भी जानते हैं। ये जीव जो होते हैं ना, ज़्यादा मात्रा में भोजन लेते हैं, भोजन ज़्यादा मात्रा में इनको ग्रहण करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप स्तनधारी देखिएगा, स्तनधारी जो अपनी संतान को दूध पिलाती है, जैसे मानव भोजन ज़्यादा लेती है, बकरी ये स्तनधारी होती है, गाय भैंस सब क्या है? स्तनधारी। उनके शरीर का टेम्परेचर फिक्स रहता है। पक्षी, उनके शरीर का भी टेम्परेचर फिक्स होता है, वो अपने शरीर के टेम्परेचर को बचा के रखते हैं अपनी पंखों के द्वारा। जितने भी जानवर होते हैं उनके पंख का काम उड़ना नहीं है, वो एक सेकेंडरी काम है कि चलो भैया उड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए ये कलम है, इसके ढक्कन का काम है इसको ढक के रखना। अब इससे बचपन में लोग सीटी भी बजा देते थे, तो ये सीटी बजाना काम थोड़ी है, इसको ढक के रखना है। तो वैसे ही पक्षियों के पंख का काम है उष्मा बना के रखना। आप किसी मुर्गी का पंख ऐसे उठाइएगा, उसमें हाथ डाल के देखिएगा ना, एकदम गर्म रहता है। तो ये समतापीय जीव कहलाते हैं। समझ में आ गया? आप समतापीय जीव के बहुत सारे एग्जांपल जानते होंगे। तो ये हो गया समतापीय। दूसरा समझते हैं विषमतापी। इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। विषमतापी जीव क्या होते हैं? देखिए, नाम से स्पष्ट है विषमतापी। इनके शरीर का तापमान हमेशा फिक्स नहीं रहता है, कभी गर्म हो जाएगा कभी ठंडा हो जाएगा, अतः इन्हें शीत रक्तीय जीव कहते हैं। समझ में आ गया? इनके शरीर के अंदर का जो ब्लड होता है उसको प्रभावित कर देता है, अंदर के ब्लड को प्रभावित कर देता है बाहर का वातावरण। इनको ठंडा ज़्यादा पसंद है, तो देखिए अगर बाहर ठंड रहेगा तो इनके शरीर को ठंडा लगेगा, बाहर गर्मी है तो इनके अंदर तक में गर्मी लग जाएगा। जबकि हम लोगों को केवल ठंड का एहसास होता है, ऐसा नहीं है कि ठंड के दिन में हमारा 37 डिग्री टेम्परेचर 20 डिग्री पर चला जाता है। भले बाहर बर्फ जम जाए, जम्मू कश्मीर में बर्फ जम जाता है पानी, लेकिन खून शरीर के अंदर का नहीं जमता है क्योंकि हम लोग समतापी हैं। विषमतापी में उनके टेम्परेचर वातावरण पर डिपेंड करता है, इसलिए विषमतापी जीव गर्मी के दिन में छुपने का जगह खोजते हैं कि भैया वरना उनके शरीर के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सांप वगैरह को देखिएगा ना, गर्मी के दिन में वो इधर उधर भागता है और बिल वगैरह में घुस जाता है। तो ये इनके टेम्परेचर जो होता है ना वेरी करते रहता है, अतः ये कभी गर्म हो जाते हैं कभी ठंडे हो जाते हैं। इनको ज़्यादा टेम्परेचर दिखा दीजिएगा ना तो ये झेल नहीं पाएंगे, मर जाएंगे ज़्यादा टेम्परेचर में। इसलिए सांप जिस बिल में घुसता है उसमें मिट्टी तेल डालिएगा ना, तो मिट्टी तेल त्वचा पे लगता है तो उसमें बढ़ा देता है, तो बिलबिला के बाहर आ जाता है बिल से। तो ये विषमतापी जीव आते हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? कीड़े मकोड़े, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब विषमतापी होते हैं। सरीसृप यानी रेंगने वाले जीव, छिपकली हो गई इत्यादि, सांप हो गया, उभयचर एम्फीबियन यानी जो मतलब पानी में भी रह सकता है और भूमि पर भी रह सकता है,
रेप्टाइल होता है, इसमें कीट को क्या कहते हैं, इंसेक्ट, ये सब किस में आ जाएंगे, विषमतापीय जीव में आ जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को समतापीय जीव क्या होते हैं और विषमतापीय जीव क्या होते हैं। हम लोग किस में आएंगे, समतापीय जीव में। अब विषमतापीय जीव जैसे सांप है, इसको कहेंगे इसका बुखार ना पाइएगा, ससुरा का कोनो फिक्स टेम्परेचर नहीं है तो क्या पता चलेगा बुखार है कि नहीं है इसको। उभयचर मेढक को, ससुरा जब जमीन के अंदर घुसेगा तो उसका टेम्परेचर अलग रहता है, बार बार इसे टाएँ टाएँ बोलेगा तो उसका अलग रहेगा, पानी में रहेगा तो अलग रहेगा। हम लोग को जहाँ रखिएगा 37 डिग्री आएगा, नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है। तो ये लोग होते हैं विषमतापी। आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और इसके बाद हम आपको बताते हैं हार्ट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्ट, हृदय के बारे में।